कंडेंसर चेंज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये कंडेंसर जो हैं ख़राब हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, तो इनमें कौन सा कंडेंसर डालें, कितने UF का कंडेंसर डालें दोस्तों, ये सब अपन आगे बताएंगे। और ये स्टिक क्यों लगी होती हैं फैन में, इनको निकालना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। देख पा रहे हैं कि एक कंडेंसर है और ये अपन को चेंज करना है। कभी कभी फ़ैन ये कंडेंसर चेंज करते समय फ़ैन उल्टा घूमने लगता है, तो अपन को क्या करना चाहिए? इसके जो वायर हैं कंडेंसर के, ये वायर हैं ये उल्टे सीधे का कोई मतलब रहता है? तो नहीं दोस्तों, ये उल्टे सीधे कोई भी लग सकते हैं, पलट के भी लग सकते हैं और ऐसे भी लग सकते हैं, बशर्ते इनके ये दो वायर हैं जो, इसका बस ध्यान रखना है। हम खोल के ओपन करके इनको बताते हैं। कंडेंसर को ओपन करते हैं दोस्तों, जैसे कि ये ओपन कर लिए, बस बस कंडेंसर के वायर ओपन कर लिए हैं, और ये दो तार हैं जो स्टेटर के, ये भी ओपन हैं। अभी अपन को मालूम कैसे चलेगा कि कौन वायर कहाँ लगना है, उल्टा कैसे में चलेगा, सीधा कैसे में चलेगा, तो इसको हम बताते हैं। जो इसका ये मेन वायर है, ये तो इसका लगा है, इसको कभी नहीं खोलना है दोस्तों, क्योंकि यदि ये खोल देंगे आप तो फिर इसके लिए सीरीज की आवश्यकता होगी, सीरीज से चेक करके ही फिर आप इसको लगा पाएंगे। तो पहले आप ये दो वायर हैं जो इसमें कंडेंसर के वायर जोड़ते हैं दोस्तों। एक वायर जो है सीरीज का, ये जो रेड है सिंगल, इसमें कनेक्ट कर दिया है, और दूसरा ये कंडेंसर वाले पे लगाते हैं दोस्तों। हाँ, ये उल्टा चल रहा है दोस्तों फैन, अब इसको सीधा करने के लिए दूसरे, दूरी रखो बेटा, हाँ हाँ, इसमें दोस्तों ये सीधा चल रहा है फैन, तो बस इस साइड वाले में लगाओ, इस साइड वाले, इस साइड में उल्टा हो जाता है और पलट के देखने में सीधा चलने लगता है। बस ऐसे ही लगा देना है अपन को, मात्र एक वायर तो जो AC का है, वो सिंगल वाला तार जो निकला है फैन का, उसी में लगना है। बस एक वायर बस है जो आप कंडेंसर में दो वायरों में से अलट पलट के लगा सकते हैं, उसमें सीधा और उल्टा दोनों चलने लगते हैं दोस्तों फैन में कनेक्शन कर दिए हैं, एक वायर तो रेड वाले में लगा देना है जो सिंगल है, और उल्टा अभी सीधा चल रहा है दोस्तों फैन ये, और यदि आप वायर को पलटते हैं, बीच वाले पॉइंट पे लगाते हैं दोस्तों, तो फैन उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। अब दोस्तों क्या करना है कि जैसे कि यदि अपने यहाँ लाइट कम है तो कितने MFD का कंडेंसर लगाएं? यदि पहले कंडेंसर इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें जो कंडेंसर लगा है, ये दोस्तों 2 MFD का लगा है, अब ये स्लो चलता है जैसे, तो इसमें यदि आप पहले 2.25 का भी लगा के देख सकते हैं, 2.25 में सही हो जाए तो कोई बात नहीं, यदि और जाते चलाना है तो 2.5 MFD का कंडेंसर लगा सकते हैं, और यदि इससे और तेज़ करना है तो 3.15 का कंडेंसर लगा सकते हैं। 3.15 से ज़्यादा नहीं लगाना है दोस्तों कंडेंसर, क्योंकि पंखा 1-2 साल बाद ख़राब होने की संभावना रहती है। और ये स्टिक हैं दोस्तों, ये स्टिक इसलिए लगी रहती हैं इसको, कि जब भी अपन ब्लेड को इसके ऊपर लगाते हैं पंखे की ब्लेडों, तो ये जो है चट चट की आवाज़ नहीं देती। इस पर लिखा है डू नॉट रिमूव, मतलब इसको निकालना नहीं है, इसके ऊपर ब्लेड रखे फिर इसके जो पैंच हैं वो कसना है, इसलिए फैन में चट चट की आवाज़ नहीं आती दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।